हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरकेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो वो जियो फोन को बुक कर सकते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि 24 अगस्त से हम सभी लोगों के लिए ये फोन अवेलेबल हो जाएगा बुकिंग के लिए। उसके बाद सितंबर से हम सभी लोगों को मिलना जो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक अंदरूनी खबर की बात करता हूं और बता देता हूं कि यहां पे बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से ही आप ये स्मार्टफोन की बुकिंग जो वो कर सकते हैं। कुछ जगहों पर दिल्ली में यहां पर बताया जा रहा है, या फिर कुछ जगहों पर मुंबई में भी यहां पर बताया जा रहा है कि आप यहां पर अगर रिटेल ऑफलाइन रिटेल स्टोर में जाते हैं जियो के आउटलेट्स के अलावा, ये लोग अब भी से जो प्री बुकिंग लेना शुरू कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को वहां पे जाना है और अपने स्मार्टफोन अपने इस जियो फोन को बुक करना है, और उसके बाद से वक्त पे जहां पे आप लोगों को पता है कि लाइन लगाना पड़ता है, उसकी जगह पे आप डायरेक्टली जाके वो टोकन के जरिए अपने फोन को जो वो ले सकते हैं। अब यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी प्रोसीजर क्या है, इस फोन को कैसे बुक करना है और क्या कुछ करना है, मैं आप लोगों को यहां पे जो बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता रहे कि यहां पे 24 अगस्त हम सभी लोगों को ये फोन जो मिलने वाला है, जहां पे आप लोगों को इसके लिए 1500 रुपीज की डिपॉजिट देनी पड़ेगी आप लोगों को माई जियो जियो की वेबसाइट से। ऑनलाइन की बात हो रही है, अगर आपको ऑफलाइन में जाना है तो आप जियो की आउटलेट्स में जाके इसको जो ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी से जो रिटेल स्टोर होते हैं ऑफलाइन के, आप वहां पे जाके इसको जो ले सकते हैं। वो कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको कोई भी ऑफलाइन रिटेल स्टोर में जाना है और वहां पे पूछना है कि जियो का फोन अवेलेबल है। वो कहेंगे कि जी हाँ, प्री बुकिंग अवेलेबल है। आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड लेके जाना है और वहां पे आधार कार्ड के जरिए जो आपको बुकिंग करना है। यानी कि वो एक आधार कार्ड पे सिर्फ आप एक ही फोन ले सकते हैं, कुछ ऐसी यहां पे शर्तें हैं। आप वही आधार कार्ड अगर एक शॉप में देंगे तो दूसरी जगह पे आप जाके जो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आधार कार्ड स्टोर हो जाएगा सिस्टम में। उसके जरिए आप जो दूसरी जगह पे जाएंगे तो आप लोगों को जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा। आप जैसे कि वो आधार कार्ड दे देंगे, आपको उसके जरिए एक टोकन मिलेगा और उस टोकन के जरिए आप अपने इस फोन को जो वो ले सकते हैं। जब आप जाएंगे बुक करने के लिए तब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप फोन कलेक्ट करने के लिए जाएंगे टोकन लेके, तब आपको 1500 रुपीज जो डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो 36 महीनों बाद हम सभी लोगों को पता है वगैरह वगैरह मिलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर आपको मैं पहले से एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर में जाते हैं जियो के आउटलेट्स के अलावा, आप जाके पूछते हैं कि जियो फोन आया है, अगर वो कहते हैं आया है तो आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल यानी कि आधार कार्ड का नंबर लेके जाना है, उसको नंबर देना है, उसके बाद उसके ऊपर आपको एक टोकन मिलेगा। उसके बाद जब भी ये फीचर फोन अवेलेबल होगा, आपको बता देता हूँ कि अगर अभी से आप इसको बुकिंग करते हैं ऑफलाइन रिटेल स्टोर से, 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में आप लोगों को ये फीचर फोन मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जियो ने यहाँ पे बताया था कि सितंबर के महीने में वो कभी भी ये फोन जो वो डिलीवर करेगा, लेकिन डेट स्पेसिफिकली नहीं बताई थी। अब देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके की खबर आई। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे बुक करना है ऑफलाइन, स्पेशली ऑफलाइन स्टोर से। ऑनलाइन स्टोर से तो आपको पता है कि jio.com यानी कि jio.com की वेबसाइट पे जाना है, प्लस आप माई जियो की वेबसाइट से जाके जो वो कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए मैंने आपको जानकारी दिया हूं। आप जाके अब घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए, जाके बुकिंग शुरू करिए। हो सकता है आप लकी हो तो आपको सितंबर के पहले हफ्ते में ही जियो का ये फोन जो वो मिल सकता है। अगर आपने अभी भी बुकिंग नहीं की तो आप कर लीजिए, क्योंकि 1500 रुपए में आपको फीचर फोन मिल रहा है और 150 रुपए की या 153 रुपीज के रिचार्ज में आपको काफी सारी चीजें अनलिमिटेड मिल रही है। तो जाइए, और बस हो गया, मेरा गला दुख रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो जरूर से लाइक करिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।